वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम टाटा मोटर स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो टाटा मोटर स्टॉक की बात की जाए तो आज 445 पे क्लोजिंग डे टाटा मोटर स्टॉक में, यानी कि देख सकते हो कि एक खास मूवमेंट देखने को नहीं मिली आज के दिन में टाटा मोटर स्टॉक में। तो सुबह से मूवमेंट देखी जाए तो यहाँ पे बेरिश मूवमेंट पर डे एंडिंग में एक अच्छी उछाल देखते हुए यहाँ पर प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका था टाटा मोटर स्टॉक। तो आज टाटा मोटर स्टॉक 1.45 पैसे अप क्लोजिंग दे चुका है आज के दिन में, यानी कि आज ओपन हुआ था फ्लैट ओपनिंग होने के बाद गिरावट देखने को मिली थी। सुबह सुबह प्रीवियस क्लोजिंग को ब्रेकआउट किया था, फिर प्रीवियस क्लोजिंग का जो रेजिस्टेंस ले रहा था दिन में बहुत समय यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लेके गिरावट देखने को मिली थी। पर नीचे यहाँ पे 440 जो लेवल थी वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव लेवल थी, वहाँ पे सपोर्ट लेता था और ऊपर प्रीवियस क्लोजिंग का रेजिस्टेंस, और डे एंडिंग में वही प्रीवियस क्लोजिंग का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया और ऊपर क्लोजिंग दे चुका था। ओपन प्राइस भी देख सकते हो 445.10, हाई बनाया था 446 का और लो है 469 का। तो मार्केट कैप 1.59 लाख करोड़ पर पहुंचा है। चार्ट एनालिसिस पे भी नजर डाली जाए तो रिसेंटली यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेडिंग करा है, तो इजीली यहाँ पे आप देख सकते हैं 450 लेवल को ब्रेकआउट मिलता है तो इजीली आपको यहाँ पे 460-470 लेवल देखने को मिल सकते हैं टाटा मोटर स्टॉक के अंदर, क्योंकि बीच में यहाँ पे कहीं पे भी रजिस्टर नहीं है तो ऊपर भी जाने के यहाँ पे चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे टाटा मोटर स्टॉक के लिए। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट टाटा मोटर स्टॉक के लिए।